कमेंट करके बताइए हमें जल्दी से भाई। चलो ठीक है, आजमा सिद्दीकी। तो हमने जैसा कि कल आप लोगों को बताया था कि हम लोगों की आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। क्या नाम है? कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की बात कर लें अगर हम लोग, ठीक, कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो देखा जाए इसमें एक चीज हमने आप लोगों को बताया दिया कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कि कॉमन होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कंप्यूटर को कैसे बनाया गया, कैसे स्टार्टअप दिया गया, इन चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम इस पे करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हुआ। तो मैंने एक चीज आप लोगों को लिखवाया था, याद होगा, दो चीजें लिखवाई थी यहां पे कि कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मैंने आप लोगों को ये चीजें बता दिया है ऑलरेडी कि कंप्यूटर जो है वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पहला हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार के होते हैं जी ये आपके? हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो हार्डवेयर को हम क्या कहते हैं? हम सबको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि हार्डवेयर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या कहेंगे हम लोग इसको? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। यानी कंप्यूटर के जो भी आपके फिजिकल पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। दूसरा एक चीज और कहते हैं, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपने दिया होगा कि उसको हम लोग कहते हैं कि जिन चीजों को हम लोग छू सकते हैं, जिन चीजों को हम लोग देख सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर होता है। तो यहां पे एक चीज हम कहते हैं, पहली चीज कहेंगे कि फिजिकल पार्ट्स, क्या कहेंगे? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो भी आपके फिजिकल होते हैं पार्ट्स के कंप्यूटर के, वो आपका हार्डवेयर होता है। क्या हो गया इसको हम लोग कहते हैं जो कंप्यूटर को कंप्लीट कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, अभी सही हो गया होगा, अभी वॉइस भी आ रही होगी, वीडियो भी आ रही होगी सही से, ठीक है। एक बार चेक करो सभी लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीयू और एएलयू के नाम से जानते हैं। और मुझे लगता है कि ये आपको कंप्लीट एकदम समझ में आ गया होगा बिना किसी समस्या के। हमें कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को सीपीयू समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया सीपीयू समझ में तो जरूर बताइएगा, ठीक है जी। कमेंट करिए फटाफट सभी लोग। सीपीयू के बाद जो दूसरा ऑप्शन आपका आता है, सबसे मजेदार, जिसको हम लोग इनपुट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इनपुट के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारी आवाज जा रही है आप लोगों तक? कमेंट करके बताइए भाई सभी लोग। आ रही है हमारी आवाज? ठीक है, ओके। चलिए, तो अगर मैं इनपुट डिवाइस की अब बात करूं, किसकी बात करूं? हाँ, ओके जी। अगर मैं इनपुट डिवाइस की अब मैं बात करूं, या सीपीयू का मैं एक स्ट्रक्चर थोड़ा बना दूं, आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि सीपीयू का एक स्ट्रक्चर बना करके मैं समझा दूं, समझ लो। सबसे पहले अगर मैं सीपीयू की बात करूं, किसकी बात करूं? सीपीयू की बात करूं,
तो सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा इनपुट, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लो और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से जान लो। एक होता है लास्ट में आउटपुट। भाई अगर इनपुट होगा तो आउटपुट हम लोगों को मिलता है, सही बात है कि नहीं? बात है बिल्कुल जी, समझ लो। अब इसके बाद आपका आता है इसके अंदर मेन मेमोरी। क्या आता है आपका? मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी क्या होता है? मेन मेमोरी आप बहुत अच्छे से जानते हो, रैम रोम होता है और आगे डिस्कस भी करेंगे इस पे हम लोग, ठीक है। और मेन मेमोरी के अंदर क्या आएगा? कंट्रोल यूनिट। और इसके अंदर क्या आता है आपका? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बात समझ में आई? और इसके बाद आपका आता है यहां पे सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो समझो, यहां से कहानी चलती है यहां पे, ये या डब्बा बंद, यहां से इनपुट हो जाएगा, यहां पे आउटपुट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हमें समझने की देर है, इसको आप सभी लोग बना लीजिएगा। और सभी लोग, लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि भाई नोट्स डेली का डेली तैयार करते रहना, ठीक है। डिजिटल नोट्स के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, अगर आप लोग कॉपी में लिखोगे तो ज्यादा मजा आने वाला है। बात समझ में आई? नहीं आई? कॉपी में अगर आप लिखते हो तो ज्यादा मजा आएगा, ओके। तो अब यहां पे अगर मेन मेमोरी की बात करें तो सबसे पहले मेन मेमोरी में जाता है, मेन मेमोरी में आता है। और मेन मेमोरी हम लोगों को क्या करता है भाई? मेन मेमोरी का काम क्या होता है? मेन मेमोरी हम लोगों को कंट्रोल यूनिट को भेजने का काम करता है। किसको भेजता है भाई? कंट्रोल यूनिट को भेजने का काम करता है, ओके। ये आपका भेजेगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और ये चचा भेजेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है भाई। और इनको अगर जरूरत पड़ी एक्सटर्नल तो ये भेजेंगे, अन्यथा ये नहीं भेजेंगे। और फिर इनको जरूरत पड़ेगी तो ये इनको भेजेंगे, ठीक, इनको जरूरत पड़ेगी तो ये इनको भेजेंगे, और फिर इनको जरूरत पड़ेगी तो ये इनको भेजेंगे। इस तरीके से हम लोगों का कंप्लीट स्ट्रक्चर चलने का काम करता है। कंप्यूटर हमारा इसी बिहाव पे काम करता है, ध्यान रखना इस चीज को। किस बिहाव पे काम करता है आपका कंप्यूटर? इसी बिहाव पे काम करता है। बात समझ में आई? तो ये एक है सीपीयू का स्ट्रक्चर जिसको मैंने कंप्लीट आप लोगों के सामने बना दिया। इस तरीके से आप सभी लोग इसको बना लीजिए, और बना लेंगे अगर तो मुझे लगता है कि आपको कंप्लीट ये समझ में आ जाएगा कि सीपीयू क्या होता है। देखो सबसे पहले ये मेन मेमोरी को कॉन्टेक्ट करता है, ठीक है, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों की बात कर लेते हैं। तो कंट्रोल यूनिट को दे देगा, तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर लेगा, जितने भी उसके पार्ट्स रहेंगे उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। बात समझ में आएगी? नहीं आई? तो उन दोनों को कंट्रोल करने के बाद ये अर्थमेटिक लॉजिक भेजता, भाई देख लो कोनो कैलकुलेशन तो नहीं ना, अगर कोनो कैलकुलेशन है तो क्या करेगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजेगा। फिर उसको अगर जरूरत पड़ी कि भाई उसको सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत है, भाई स्टोरेज कम हो गया, तब क्या करेंगे? अगर स्टोरेज कम हो गया तो ये आपका क्या करेगा? सेकेंडरी मेमोरी को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? सेकेंडरी मेमोरी को कॉल करेगा। और जैसे ही ये सेकेंडरी मेमोरी को कॉल करेगा, सेकेंडरी मेमोरी का यूज करेगा, फिर वो अर्थमेटिक लॉजिक, फिर कंट्रोल, फिर मेन मेमोरी। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर चलता है, ध्यान रखना इस चीज को। सबसे पहले इनपुट होगा, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर आउटपुट होगा। ऐसे हम लोगों का इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो पाता है। क्लियर बात समझ में आ गई सबको भाई? एग्जैक्ट सबको क्लियर है ना? कोई किसी को डाउट तो नहीं रह जा रहा है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकता है भाई। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है इनपुट। क्या नाम है जी? इनपुट। अगर मैं इनपुट की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं इनपुट की बात करूं तो जो आपका इनपुट होता है, इनपुट क्या होता है? सब जब मेमोरी आउटपुट देता है तो मेमोरी के पास कैसे? मेमोरी के पास डाटा कैसे आएगा? कंट्रोल यूनिट या एएलयू भेजेगा, नहीं तो कैसे आएगा? और कोई ऑप्शन थोड़ी होता है। हाँ, चलो ठीक है,
इनपुट क्या होता है। अब हम थोड़ा समझेंगे इससे पहले कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। देखो भाई, अगर हमें कोई जरूरत है, मुझे पर्सनली अगर मुझे कोई जरूरत है तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, और नहीं तो पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज के लिए, ध्यान रखना इस चीज को। तो ऐसे ही एग्जैक्टली हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होता है, क्या होता है ये, इसको अगर कोई काम करना है तो उससे पहले आपको इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा भाई ये काम आपको करना है, और अगर इसको आप नहीं बताएंगे तो ये कोई भी काम नहीं कर सकता। तो अगर कंप्यूटर से कोई भी काम हमें करवाना है तो वो इनपुट डिवाइस के थ्रू ही हो पाता है। किसके थ्रू हो पाता है? इनपुट डिवाइस के थ्रू हो पाता है। और इनपुट डिवाइस के अगर थ्रू हो पाता है तो एक एक चीज का आप हमेशा से ध्यान रखना, इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट हम लोग कंप्यूटर के अंदर देते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि डिवाइस दैट आर यूज्ड टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द डिवाइस दैट आर यूज टू इनपुट data and instructions in the form of input device। यानी कि ये क्या करता है, हम लोगों को इनपुट देने का काम करता है। क्या करता है? हम लोगों को इनपुट देने का काम करता है। हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा कंप्यूटर होता है वो इनपुट हमारे दो तरीके से दे पाता है, एक तो दे पाता है डाटा के थ्रू और दूसरा दे पाता है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। अब ये डाटा और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इन चीजों को भी थोड़ा सा हम लोगों को समझने की जरूरत है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्देश, किसके नाम जानते हैं? निर्देश। और डाटा को हम लोग क्या कहते हैं जी? इसको हम लोग कहते हैं आंकड़े। बात समझ में आई? ये दो तरीके से, एक तो हम डेटा दे देते हैं भाई ये लोग काम करो, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, ये निर्देश है। तो कंप्यूटर से अगर हम लोगों को कोई भी काम करवाना है तो हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो उसको हम किसी प्रकार का डेटा दे दें या किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे दें। अगर हम डेटा और इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाते हैं तो कंप्यूटर से हम किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं करवा सकते। बात समझ में आ गई? चलो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, थोड़ा सा किसकी बात करें, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या होगा, क्या होगा जी एग्जांपल्स? सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा जी? सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा कीबोर्ड। दूसरा क्या हो जाएगा? माउस। तीसरा क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक्स। चौथा क्या हो जाएगा आपका? स्कैनर। पांचवा क्या हो जाएगा? वेब कैमरा। छठा माइक्रोफोन एटसेट्रा। ऐसे बहुत से ऑप्टिकल कार्ड रीडर भी हो जाएगा, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको आप लिख सकते हो, जिनको आप जान सकते हो। तो ये आपका कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, वेब कैमरा हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा, ये सारी चीजें आपकी इसी के अंदर आती हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां पे हमें थोड़ी सी समझने की ये जरूरत है कि अब भाई कीबोर्ड तो हमने लिख दिया कि कीबोर्ड होता है, तो ये कीबोर्ड होता क्या है, कीबोर्ड काम कैसे करता है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस पे। सबसे पहले अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड एक हमारी डिवाइस होती है, कंप्यूटर की एक पार्ट होता है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर किसी भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा को टाइप करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर किसी भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अब अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है समझ लो इसको। देखो
अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, ठीक है, तो कीबोर्ड का मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक। इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो कहते हैं अल्फाबेट प्लस नंबर। और अल्फाबेट प्लस नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम अल्फाबेट हमारा क्या हो जाएगा, ए टू जेड हो जाएगा, जिसको हम लोग 26 कहते हैं, 26 नंबर्स होते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, 0 to 9 हो जाएगा, जिसको हम लोग 10 नंबर्स कहते हैं। तो कंप्यूटर हमारा क्या करता है, कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर के अंदर डेटा को इंटर करने का काम करता है, वो भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा। कौन सा डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा मतलब क्या होता है, अल्फाबेट प्लस नंबर। अल्फाबेट में क्या होता है, ए टू जेड, और नंबर में क्या होता है, 0 to 9। तो ये इन चीजों को जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने का काम करे उसको हम लोग कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका फंक्शन की आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका फंक्शन की आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं F1 to F12। ठीक है, तो ये 12 कीज हो जाएंगे, क्लियर हो गया। उसके बाद इसके अंदर और भी सारी चीजें आ सकती, जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं मल्टीमीडिया की, किसको कह सकते हैं, मल्टीमीडिया की बात कर लो, तो भैया प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और अगर स्पेशल की बात कर लो, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर ये सारी चीजें भी आती हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्ट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, टैब हो जाएगा, बस में फंक्शन की हो जाएगा, एरो हो जाएगी, पेज अप पेज डाउन, मतलब बहुत सारी चीज हमारी स्पेशल कीज के अंदर आती है। तो यहां पे आप एटसेट्रा कर सकते हो, बात समझ में आई। तो ये आपके, हाँ, सिंबल्स भी आ जाते हैं भाई, सिंबल्स भी इसी के अंदर आते हैं। तो F1 से लेकर के F12 के बीच में ही ये आपके एंट्री कर जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, बात समझ में आई। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा जो होता है डेटा, ये जो हमारा डेटा होता है, ये डेटा आपका कीबोर्ड के जरिए हम लोग किसी भी कंप्यूटर में अरेंज करने का काम कर पाते हैं। हमारे पास कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं होता है कि हम चीजों को इनबिल्ड कर पाए। दूसरा ऑप्शन है हमारा माउस का, ज्यादा डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं क्या। अगर मैं माउस की बात करूं तो ये हमारा क्या करता है, सेलेक्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसका काम ही क्या होता है, इसका काम होता है सेलेक्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसका काम होता है कि ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है ये, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट। अब मान लो हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ भी अगर यूज करना है, कुछ भी अगर हमें चलाना है, तो सीधी सी बात है भाई, हमारे पास ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है कि जिसके जरिए हम चला पाए। हमें माउस से ही क्या करते हैं, हम किसी भी एक वेबसाइट पे, किसी भी लिंक पे हम लोग क्लिक करने का काम करते हैं। तो ये हमारा एक फंडा इसमें होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग माउस का यूज करते हैं, क्लियर हो गई बात। और इसको हम लोग एक चीज और कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इट्स आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। किसके नाम से जानते हैं हम लोग इसको, इसको हम लोग कहते हैं इट्स आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। यानी ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट करता है। वैसे तो देखा जाए तो माउस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि कितने प्रकार का आपका माउस होता है। सबसे पहले होता है बॉल माउस, बात समझ में आई। दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल माउस, और तीसरा आपका होता है क्या, तीसरा आपका हो जाएगा 3-button माउस, बात समझ में आई। और चौथा आपका हो जाएगा वायरलेस माउस, ठीक है। अब इन माउसेस के बारे में वैसे तो बेसिकली आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बॉल माउस की बात करूं तो आप लोगों ने पहले के अगर जमाने में थोड़ा सा देखा होगा, आज के लगभग 5-7 साल पहले आपने एक चीज देखा होगा कि माउस के नीचे एक छोटी सी बॉल लगी होती थी। क्या होता था, माउस के नीचे एक छोटी सी बॉल लगी होती है, जो बॉल
क्या करते थे, जैसे ही हम माउस रखते थे टेबल पे, वो रब करने का काम करता था। क्या करने का काम करता था? रब करने का काम करता था। जैसे उसमें हम लोग रगड़ते थे, वो कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल करने का काम करता था। क्या करता था? पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता था। तो वो हमारा माउस होता था, जिसके अंदर एक बॉल लगी होती, वही कंप्यूटर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता था। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल माउस की, तो ऑप्टिकल माउस जो आज के समय में आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो, जैसे उसमें एक रेड कलर की लाइट जलेगी और नीचे सेंसर लगा होता है, तो जो रेड कलर की लाइट लगी होती और जो सेंसर लगा होता है, उसी के बेस पे हमारा पूरा कंप्यूटर कंट्रोल करने का काम छोटा सा माउस करता है। ध्यान रखना है।